पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इजराइल और हमास के बीच छिड़े भीषण युद्ध पर टिकी हुई है। हमास की ओर से शुरू की गई इस खूनी जंग में अब इजराइल पूरी ताकत से हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम के साथ ताबड़तोड़ जवाबी हमले कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जंग किसी की भी हो और उसका अंजाम कुछ भी हो, लेकिन जंग का खामियाजा भुगतती है आम जनता। इसी तरह इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से यहाँ के नागरिकों का बुरा हाल है। गाजा पर इजराइल लगातार मिसाइलें दाग रहा है। अब तक दोनों तरफ के लगभग 1600 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वही अगर बात इजराइल की करें तो हमलों में 900 के करीब आम नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं। खौफ का कुछ ऐसा माहौल है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस भीषण जंग में हर तरफ पसरे मौत के साए के बीच एक जगह ऐसी भी है जहां इजराइल के लोग छिपकर अपनी जान बचा पा रहे हैं। ये सुरक्षित जगह है बंकर, जो यहां हर इमारत में है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके हर घर में बंकर बने हुए हैं। यही नहीं, स्कूल, स्टेडियम, अस्पताल, मॉल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दुकान, दफ्तर समेत पब्लिक प्लेसेस पर भी सुरक्षा के नजरिए से बंकर और टनल बनाए गए हैं। हाल ही में इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन अजय के तहत वतन वापस लौटी एक महिला ने इन बंकरों के बारे में बताया कि किस तरह सायरन बजते ही लोग बंकर में छुपकर अपनी जान बचा पाते हैं, साथ ही कैसे सायरन बजने के बाद अलग अलग जोन के हिसाब से लोगों के पास बंकर में जाने के लिए कम या ज्यादा वक्त होता है। सदर्न पार्ट में जो है वो समस्याएं ज्यादा है, सेंट्रल के तरफ उतनी नहीं है, नॉर्थ के टाइम तरफ पे प्रॉब्लम्स आनी अभी थोड़ी स्टार्ट हुई है। इसराइल में हर बिल्डिंग के अंदर पे बंकर्स होते हैं, शेल्टर्स होते हैं, और आपको एक प्री काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है कि अगर इन केस ऐसा सायरन बजते हैं तो आपको बंकर में जाना है। आपके लोकेशन के हिसाब से टाइमिंग का स्लॉट होता है कि जो साउथ में होते हैं उनके लिए कम टाइम होता है, उनको जल्दी जाना पड़ता है। हमारा सेंट्रल था तो हमें 9 मिनट का टाइमिंग मिलता था कि 9 मिनट के अंदर पे आपको बंकर के अंदर पे पहुंचना है सायरन बजने के अंदर पे। वहीं इजराइल के तेल अवीव और आसपास के इलाकों से भी ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें सायरन बजने के बाद लोग तेजी से बिल्डिंग्स के अंदर बंकरों में छिपने के लिए भागते दिख रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग सायरन और विस्फोट की आवाजें सुनकर भाग रहे हैं। रात भर इजराइल के तमाम शहरों में सायरन की ऐसी आवाजें सुनाई देती रही। हमास की तरफ से आने वाले रॉकेट को इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम इंटरसेप्ट करता रहा और सायरन बजाकर लोगों को आगाह करता रहा। और इस दौरान क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बड़े, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता हुआ दिखा। गौरतलब है कि अपने चारों ओर दुश्मन देशों और आतंकियों के चलते सुरक्षा के लिहाज से इजराइल में इस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं। इजराइल ने अपने देश में बनाए जाने वाले घरों के लिए ऐसा कानून तैयार किया है कि हर घर में एक बंकर होना जरूरी है। ये बंकर हमेशा दुश्मनों के हमले से इजराइल के लोगों को बचाते आए हैं। इजराइल की गाजा पट्टी से लगे हुए बॉर्डर इलाके में हर घर को बगैर बंकर के निर्माण की अनुमति है ही नहीं। यही वजह है कि सिर्फ बॉर्डर इलाके में हर घर में बंकर और कई घरों में तो लंबी लंबी टनल भी इजराइल सरकार की ओर से बनाई गई है। ये टनल लोगों को अक्सर होने वाले बड़े हमले के दौरान ना सिर्फ बचाती आई है, बल्कि हमास की ओर से अब तक के सबसे बड़े ताजा हमले में भी हजारों लोगों की जान इन्हीं टनल और बंकरों ने बचाई है। ऐसे में जिस तरीके से हमास ने रॉकेट दागकर इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, उसमें अगर सायरन बजने के साथ लोग पहले से ही बने अपने घरों के बंकरों में ना छिपते तो जितनी मौतें इजराइल में हुई हैं उससे कई ज्यादा गुना बड़ा संहार हो चुका होता। बताते चले कि हमास के इजराइल पर हमले के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंटी गई है। एक तरफ जहां अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है, तो वहीं गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले को लेकर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं इजराइल पिछले शनिवार को हमास आतंकवादियों की ओर से किए गए सीमा पर हमले के बाद से गाजा पर हवाई हमले कर रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने का आदेश दिया है। इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।